प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो पे। दोस्तों इसमें मैं बताऊंगा आपको XUV300 की के बारे में। काफ़ी अच्छी की है दोस्तों, लुक वगैरह काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। तीन बटन दिए हैं, लॉक, अनलॉक और फाइंडर। दोस्तों फाइंडर का यूज़ जब करते हैं, अगर गाड़ी पार्किंग में गुम हो गई है, आपको दिख मिल नहीं पा रही है, तो बटन दबा दो और गाड़ी आवाज़ करने लग जाएगी। नाइफ टाइप में मिलती है, इंडिकेटर लॉक करोगे तो एक बार ब्लिंक करेंगे, अनलॉक करोगे दो बार ब्लिंक करेंगे। साउंड कोई गाड़ी नहीं करती है बिल्कुल भी, फाइंडर की दबाने पे है साउंड करेगी। दोस्तों इसमें जो की रहती है मैनुअल की जो रहती है, वो दोस्तों हाइड नहीं कर रखी, आपको अंदर से निकालनी नहीं पड़ेगी, वैसे पुश बटन पुश करा और निकल जाएगी। बस रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ दिए हुए हैं, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड। जो ORVM है उसमें भी इंडिकेटर दिए हुए हैं, वो ब्लिंक करेंगे और ORVM लॉक करने पर बंद हो जाएंगे, अनलॉक करने पर खुल जाते हैं। दोस्तों अनलॉक करने पर नहीं खुलेंगे, अनलॉक करके गाड़ी में बैठोगे आप, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को पुश करोगे तो खुल जाएंगे। दोस्तों आपको स्टार्ट करने के लिए गाड़ी में की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी लगाने के लिए, की होल नहीं है इसके अंदर। डायरेक्टली आपको पुश स्टार्ट बटन दिया हुआ है, उसको अगर पुश करोगे क्लच दबा के तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों की को आप साइड में रख दीजिए और गाड़ी ड्राइव कर सकते हो आप, या अपने पॉकेट में रख लीजिए। तो बहुत ही सिंपल एक प्रोसीजर दिया हुआ है इसके अंदर। गाड़ी की दोस्तों सिंपल भी है और काफ़ी प्रीमियम भी लुक देती है, दोनों चीज़ इसके साथ मेंटेन की हुई है XUV300 में, मेरे को काफ़ी पसंद आया। रिक्वेस्ट सेंसर दोस्तों दोनों तरफ दिए हुए हैं, ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि दोनों साइड में ज़्यादातर गाड़ी में नहीं मिलते, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी भी मैंने बताया जैसे काफ़ी अच्छा है, वेट वगैरह काफ़ी अच्छा है, की का होल्ड करने में काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों यही सब था वीडियो में, उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों।